तीन बज गए 30 मिनट है जी, लेट हो गया। अलार्म बोले वो उठे ही नहीं, सारे ही नहीं उठे, अभी उठे सारे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। भागते हैं जी दिल्ली की तरफ, शुरू करते हैं जी। गुरमीत ना दिखाऊंगा। गुरमीत है उसका नाम, मेरे साले का। आपका क्या नाम है? कुलदीप नाम है। कुलदीप, मैं तो तेरा वो ये सोचा कि आप ही आ रहे, वो मेरे साला आ रहा भाग हुआ। मेरे जैसे एक और बंदा मिला था गाजियाबाद में। बिल्कुल डिटो सेम कॉपी है तू। हां, उसको मैं देख रहा हूं, बोल रहा यार ये भी सेम। भाई राम राम, कैसा है? बड़ी लाइव दे चाहे छोरा लग रहा है, जय इंदा ना बड़ी। श्याम बाबू ने ले आए, दूसरा बंदा ले आए। जुट जा, खोल कर रस्सी, जुट जाओ। लगे हुए हैं। 3:15 पे, 13 मिनट पे संतोष का फोन आया सुबह। मैं ऐसे छाती पे रख के फोन सो गया, अलार्म बोलने के बाद ऐसे रख लिया एक मिनट के लिए, लेकिन मैं सो गया। 2:10 अलार्म बोला और 2 अलार्म बोला, 2 अलार्म बोला, लेकिन छाती पे फोन रख के ऐसे ही सो गया। फिर इसने 3:15 पे फोन उठाया, किस्मत से इसने तो ऐसे ही फोन, बदरपुर की गाड़ी खाली कर रहा था ये, उसके बाद में फोन कर रहा है, आई नहीं उस्ताज। मैं भाई मैं झूठ बोली फिर तो, मैंने वहाँ चाय पी रहा हूँ भाई फलानी जगह, और था मैं कमरे में, भागा फिर फटाफट फटाफट पूरा खींच के लेके आया। अभी लेट हो गया, लगेगी यहीं सारी लगेंगी जी। शुरू करते हैं जी, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बच गया जी आज तो, नहीं तो ये भी लेट होते, मैं भी लेट हो जाता। ये बची हैं जी थोड़ी जे बी एफ में, तो दुकान भी लगी हुई है, और ये पुरानी इंटे बची हैं। और सूर्य देवता जी महाराज की जय हो, पधार चुके हैं जी सूर्य देवता जी महाराज। यहाँ लगी है तरने अपने बड़ी अंत, आज इंटे बढ़िया है, छांट छूट के बरवा के लेके आया था बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक आधी इंट बस खराब है, नहीं तो बढ़िया इंटे है, आवाज भी पूरी है। और दुकान पे वैसे लगी, अब तो नहीं फेल होनी चाहिए, अब की बार फेल नहीं होनी चाहिए इंटे भाई। अगर ये फेल होगी तो भाई फिर कोई इंट नहीं चलेगी, छांट के बिल्कुल बढ़िया तरीके से भर के लेके आ रखी है। वाले ने इतने दुखी करे बहुत ज़्यादा, यहाँ लगानी थी इंटे, इसकी वजह से इतने परेशान हो रहे हैं। अरे घुमा के लगाई हुई है, पहले वाले अंतिल के सारे चक्रों में ज़्यादा टूटती और ज़्यादा कोने टूटे हुए, कोनी इंटे ज़्यादा बेकार इंटे थी, वो फैल इसलिए होगी थी। अभी ये साफ सुथरी इंटे, ये सही तरीके से चल जाएंगी। और रेट भी अब की बार जायज कर दिया उनका, 100-200 रुपये कम कर दिया, क्योंकि उठानी है वहाँ से, भट्ठा खाली हो जाएगा, पैसे काम आ जाएंगे भट्ठे वाले को। और एक बार साफ सुथरा हो जाएगा ना, फिर नई इंटे निकालने में फिर मज़ा आता है, बाहर निकलेंगे प्लेटी खाब खाली हो जाएगी, और पैसे जो बटेंगे वो काम आ जाएंगे। इनका और इनका 1000 रुपये का फ़र्क हो गया दोनों को, रेट का दिन रात का फ़र्क हो गया 1000 रुपये का। हेलो जी, 50 की धारी है और 8 लाइन लगा दी, ऊपर हो गए 4 पट और 25-26 इंटे ये ऊपर घट गई, क्योंकि ना उबड़ खबड़ जगह होने की वजह से 51 की और 52 की धारी लग गई नीचे। देखो यहाँ
ये 52 की है, ये अगली 51 की है। हल्ले हो गया जी, भागते हैं, पैसे तो खाते में ही आएंगे, बोल दिया। खाते कब की बार, इस साल में बहुत बुरा हाल हो गया, ज़्यादा फरवरी में हुआ है, लेकिन इस साल में बहुत बुरा हाल हो गया खाते का। 20 से 40 लाख रुपए ट्रांजेक्शन है, लेकिन मेरे को नहीं लगता अब की बार हम ट्रांजेक्शन को काबू कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे खाते में आ रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है। जी कमरे पे बिस्तर भी ऐसे ही छोड़ गया था, इसको तय भी नहीं करके गया, और कपड़े में चेंज करके चला गया था। बहुत ज़्यादा मैले होते हैं, उस पर काले काले मच्छर बहुत बैठते हैं, क्योंकि कलर अजीब सा है ना इसका, इसीलिए। पहले खाते हैं, और ऑर्डर आ चुका है ऑलरेडी, देखते हैं, दिखाते हैं कहाँ जाएंगे। सेव भाजी बगैर मसाला, शादी और सलाद शाम को। अरे कांकड़ी तो ले आ दे चीर का यार। अरे है, है भाई है। खाना खा के आ गया हूँ जी, चलते हैं जी भरने के लिए, दिखाते हैं कौन से पे जाएंगे। भागते हैं जी, भागते हैं। ले आओ जी, पहुंचे हैं बट्ठे पे। दुकानदार के कोई पैसा नहीं, दुकानदार मोटी मुर्गी है यार ये तो। ये विक्की ठोस तोड़े हो गए हैं, 50 का होता पूरा तो होता भाई। ए विक्की ये ठोस तोड़े होते हैं ना, थोथे हुए गार्डर हो बीच में, थोथे हुए। मगर अगर 50 का ठोस तोड़ा तो 50 ले लिए, तो ट्रॉली भरा आज तू रख ली वो 50 इनके वाले भी वही। अरे 50 रुपये तो मैं रोज देऊं यार, रोज नहीं देंदा। तेरे तो जान के नहीं दिए थे मैंने, तने बूंद मार छंटी ना उस दिन एक मिनट भी भाई, ईमानदारी की बात कसम खा जा, आज साफ भर, आज तने देऊंगा। ये चट्ठा है SDF की भी अंदर मिक्स। अरे SDF की है, है पीछे JBF की भी, चट्टा बढ़िया है। पर मार के का क्या फर्क है अगर ईंट बढ़िया है तो। ये देखो SDF की है पर ईंट बढ़िया है। हाँ ट्रैक्टर तो तू पूरा ही ले जा, तेरा ही है ट्रैक्टर यू। यहाँ किसका क्या है भाई, चले जाना मेरी भी डाल लगा का वीडियो। हाँ। जा नाच, नाचना लग जा। नहीं नाचने को क्या करें, इजड़े नाच रहे हैं, इजड़े नाच कर रहे हैं। और आम इंसान नाचता ही नहीं कोई, आम इंसान तो खुशी में नाचता है, दुख में नहीं नाचता। फिर भी अपने दुख के है, मेरे दुख। अरे सारी अड़ नाचना चाहिए, खुशी तो नहीं है, दुख है ना मुझे, दुख में 50 रुपए का दुख है मुझे, दुख में दुख बांटना था ही नाचना चाहिए। लगा ये है जो इंडिया जोंडियर ना भाई, वो लगाओ चक्के पे से यार, रानी है रानी ये बेगुला है, रेड़े लग जाते 5-7-10 और। अरे नीचे तो लाल ला रहे है ना, लगवा रे ना। ओए बढ़िया ईट लाइए भाई, मेरे बंजार यो भी अब्बल मला होगा, ये तो लाल होगा। और आगे ले ले, और आगे ले ले। अरे और आगे ले ले, और के इबला देगा तू तो, पायलट देखा नहीं मरा ऐसा।
गाड़ी वाला छंगा था ना गाड़ी का मार दिया थे। नीचे उतर ले बड़ी क्या पायलट तू था। अरे छोड़ दे छोड़ दे मारा है गाड़ी में। नीचे उतर ले यार मजाक नहीं होया करता मेरे। किस तरह ला देगा तू लाग लिया तेरे पर रेस पे तो तू ध्यान दे रहा। नीचे उतर नीचा है मान लिया कर। इसके गले कोई मजाक नहीं होता मशीनरी है यार यार। रेस के तो कम ही नहीं होता यार पट्ठे पे। हेलो जी लग गया रहने के लिए। और इधर बड़ी गाड़ी बढ़िया लग गई है सेज। थोड़ी देर मैं तो लेटूंगा इंटे बढ़िया देखने तक की जरूरत नहीं है। जय श्री राम जय बजरंगबली। एक घंटा में भर देंगे कम से कम। एक घंटे तक थोड़ा सा सो लूँगा। अभी नींद आ जाएगी तो आ जाएगी कमरे पे नहीं आती। कमरे पे भी ज़्यादा रिलैक्स फील हो तो फिर तो आ जाती है। नहीं तो चक्कर भरने के जाने के बाद में नहीं आती नींद। हेलो जी कम्प्लीट पलट ढक दिया रस्सी लगाएंगे अभी। खड़ा जी ट्राला अमरीका वाला रोड़ा चेकिंग नहीं है ये तोड़ती है गुड्डी रोड़ियां। भागते हैं जी भागते हैं कमरे की तरफ। श्री राम जय जय। पिंट चल गया नई गाड़ी को पिंट लग रहे हैं कर। पहुंचे हैं जी कमरे पे हाथ पैर मुंह धो के लेटेंगे थोड़ा। वैसे तो मैं सो लिया पट्ठे पे नींद बढ़िया आई एक घंटा डेढ़ घंटा लेकिन फोन कम से कम 20 आ गए और बगैर खाम खाई खान सिब्बल काम बाकी है बहुत सारा है। चलाओगे कब? 10,000 रुपए कमा लिया ये भी। अच्छा अच्छा कमा लिया ये फिर तो ठीक है। कंप्लीट रहते रहेगा सुन लिया होगा आपने कमाई 2 घंटे में ले आई। और जहाँ पॉपुलेशन होती है ना जहाँ पब्लिक होती है जहाँ लोग होते हैं बहुत सारे जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है वहाँ पे काम ऐसे ही होता है। काम भी मोटा होता है साधन भी बड़े होते हैं और पैसा भी मोटा होता है। इस कोई भी धंधा हो ये धंधा हो गया मिट्टी वाला हो गया मारे वाला हो गया जिसके पास 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए हैं और बड़े साधन हैं ट्रैक्टर है 5-7-10 और 2-4 गाड़ियाँ हैं छोटी बड़ी तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा हो जाता है बहुत सारा खर्चा भी हो जाता है लेकिन पैसा उसमें मोटा होता है। ठीक है ना हमारे धंधे में भी बहुत मोटा पैसा है लेकिन उसके पहले 20-30 लाख रुपए आपको जोड़ने पड़ेंगे अगर मेरी तरह है तो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसमें आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो कि कैसे हुआ अगर किसी को नहीं पता लेकिन जिनको पता है जिसके पास 20-30 लाख रुपए ऑलरेडी है उनको तो पहले से ही पता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन जिनको जो नए हैं मेरी जैसी उम्र के हैं मेरे से बहुत छोटी उम्र के भी हैं 10 साल पहले की 18 साल के 20 साल के 22 साल के लड़के हैं जो धंधा करना चाहते हैं कि भाई क्या करें क्या करें इस लाइन में बहुत पैसा है। हमारे वाड़ी में डंपर जेसीबी मशीन और वही भट्ठा लाइन में हर चीज़ में मोटा पैसा है लेकिन आपको एक तरीका होना चाहिए उस तरीके के हिसाब से
सारा पैसा हुआ। हर एक गाड़ी में आपको यहाँ पिस्टल मिलेगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो क्योंकि सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी होती है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो उसके हिसाब से आपको सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी आप धंधे हैं, बहुत सारे धंधों से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टैलेंट आया, थोड़ा सा भी पैसा है, अगर आपके पास 5 लाख रुपये उस घर के हैं ना, तो एक ट्रैक्टर लेके आप पूरा धंधा अपना चला सकते हो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि भाई 20 लाख रुपये ज़रूर चाहिए ट्रैक्टर, अगर आपको दिल्ली में काम करना है या कहीं पर भी काम करना है, स्टॉक करना है, तो 20-30-25 लाख रुपये 15 लाख रुपये आपको होने चाहिए। क्योंकि सारा पूरा आपका कारोबार लोन पे नहीं चलेगा, लोन से पहले अगर आपने लोन भी करवा लिया, अगर आपके पास 5-7-10 लाख रुपये का लोन हो गया, 5-7 लाख रुपये आपके हाथ में होने चाहिए। क्योंकि पूंजी उधार में बढ़िया सिस्टम से काम चलेगा, लेकिन उधार भी आपकी सही जगह होनी चाहिए आपको, या तो आपको बंदों का पता होना चाहिए कि भाई ये पैसे देंगे। मरते भी बहुत सारे पैसे धंधे में, ये तो धंधा है। देखो जी, पैसा आएगा अगर आपको 20 जगह से पैसा आ रहा है उधार का, और 2 जगह मर रहा है पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक चल रहा है, वो तो धंधा आपका जब चलेगा तो सारे काम आपके ऑलरेडी निकलते रहेंगे, आपके चलते रहेंगे, आपका पैसा जो आता रहेगा 20 जगह से और 20 जगह आपका पैसा जा रहा है, तो आपके पास डबल हो गया आएगा। रोज़ 1 लाख रुपये आने लग जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर आपने 50 लाख रुपये मार्केट में लगा दिए, 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये आपका उधार आता रहेगा, आप 1.5-2 लाख रुपये डालते रहोगे धंधे में, तो ऐसे धंधा चलेगा। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, अगर वैसे तो मैं बकवास ही करता रहता हूँ, ठीक है जी। जैसे दिल्ली से सटे एरिए हैं, इनमें बहुत सारा काम है, आसपास का ही काम होता है, और 50-40-30-25 किलोमीटर का ऐसे होता है, किसी का 10 किलोमीटर के एरिए में भी होता है काम। ये तो धंधा है जी, अगर आप घुसोगे तो घुसते ही चले जाओगे, क्योंकि धंधा एक दलदल के मुकाबले है, दलदल में कहूँगा मैं तो। आप अगर एक सीढ़ी रखोगे तो खुद ब खुद आपकी सीढ़ी चढ़ती जाएगी ऊपर, आप बढ़ते जाओगे धंधे में, आपको पता लगता जाएगा कौन क्या है, क्या व्यवहार है, तो आपको ऑलरेडी नॉलेज हो जाएगी। दिल्ली में भी बहुत सारा काम है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा, आपको एक दो चार दस बीस लोगों से मिलना पड़ेगा कुछ जानकारी इकट्ठी करने के लिए, ठीक है जी। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है इसीलिए। अभी एक एक दो दो फ्रूट खा लेते हैं जी। टाइम हुआ है 3:40, देखो सुबह 3 ही बज गए थे आज तो मेरे ख्याल से, और वो तो 3 क्यों बजे थे, 3:13 पता नहीं 15 मिनट पे तो उसने उठा दिया, मैं तो छाती पे फ़ोन धर के सो गया था, सुबह बताया ही मैंने तो उसने उठाया मेरे को तो। और अभी 3:35 हो गए, 3:20-20:25 के करीब चले होंगे मेरे ख्याल से, तो यहाँ फ्रेश वगैरह हो गए सुबह, मुँह माँ धोआ, उठा, कपड़े डाले, और फिर टाइम लगता है 10 मिनट ट्रैक्टर स्टार्ट करके रखना पड़ता है सुबह सुबह, क्योंकि डीजल ऊपर नीचे हो जाता है, और जो नीचे वाला ऑयल होता है, जो मोविल बोलते हैं उसको, काले वाला जो इंजन का नीचे का होता है, तो वो अपने पूरी नाड़ियों में घूम जाता है पूरा, मतलब उसमें फिर एकदम से आप स्टार्ट करके एकदम से भागोगे तो वो पूरे दिन परेशान रहेगा इंजन। खा के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे या फिर फोन ही देखेंगे, रेस्ट तो पड़े ही रहेंगे, रेस्ट तो है ही है। लो जी, सूर्य देवता चले गए हैं। पूरा प्लॉट भर गया आज तो, देखो तेज पान सितारा। आरती चली हुई है मंदिर में, भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहां पे बहुत बड़ी मूर्ति है। फोन देखता रहा मैं तो, शाम हो गई, दिन छिप गए, सूर्य देवता जी महाराज चले गए, अभी खाना खाने का टाइम हो गया जी, खाना खा के फिर मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भर ले जा रहे हैं गुरु, गुरु जी जा रहे हैं, मारे गुरु जी। तो नहीं, तो क्यों नहीं गया? मैं दिल्ली जा रहा था भाई। अच्छा, बाइक तो ही लेके आया? हाँ अभी आया, मैं देखूंगा, बाइक नहीं थी जब, तो दिल्ली से आया मैं अभी। क्या लेके आयो, पैसे लेके आयो? हाँ, मार्केट करके आया, आज मार्केट करके आया, कुछ सुबह जाएंगे तारने के लिए। बड़ी बराई मिलेगी फिर आज तो, मौज होगी, मौज होगी। सिर में कैसे लगी फिर टाइल कल? लड़के पे छूट गए, छूट गए अंधेरे में, छूट गए अंधेरे में, अंधेरे में। दिखा तो दे फिर खोल के, ये देख लियो भाई, पट्टी बंद रही है, पट्टी भी बंद रही है,
पट्टे बन रही है, ये थोड़ी है ऐसे भी काम करावा। हां खुल गए भैया ऐसे देखो उतरी का मां क्यों रहा है। हां और ये पट्टी क्या बन रही है फिर, यह चीज नीचे वाली ये फालतू बन रही है, पट्टी को नहीं उस पे इस पे चोट इस पे को नहीं है पट्टी चोट पे। हां इस पे कोई पट्टी को नहीं है इस पे और पट्टी तो वो बन रही है बस प्रिया। टायल थी ईट होंगी नी मोटी जेबीएफ की आर के वन की पूरे वजनदार चप्पल। तो जी खाना खा के आ गया हूं, देखा ना चाचा को चोट लगी हुई है, कल बता रहा था ना मैं अर्जुन से टाइल छूट गई, अगर मोटी इंट होती ना भाई सुबह सुबह मर भी सकता है ऐसे आदमी, अगर ज़्यादा सिर में ऐसी लग रही है इतनी इतनी लंबी चोट लगी हुई है, और अगर वो तो टाइल थी, टाइल ने भी तो निशान कर दिया, इंट मोटी होती ना जो अपने भरी हुई है जे बी एफ की आर के बन की मोटी इंट है ये तो मार देती भाई, ज़्यादा नहीं मार देती तो भाई अंदर घुस जाती कम से कम, ज़्यादा बड़ा ही नुकसान हो जाता। तो चलिए जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद।